नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम चेक करेंगे ये मिनी साउंड बार। तो दोस्तों ये है MZ ब्रांड की M21 साउंड बार। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं साउंड बार को, देखते हैं कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है, क्या इसमें खास है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा कुछ डिज़ाइन है साउंड बार का, मिनी साउंड बार आप कह सकते हो स्पीकर को। तो इसका ब्रांड नेम है MZ, वी बिलीव इन क्वालिटी। और इसका मॉडल नंबर है दोस्तों M21। और दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है होम TV साउंड बार। तो इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, इसमें आपको FM मिल जाता है इनबिल्ट, इसमें जो आपको स्पीकर मिलते हैं वो ट्रिपल स्पीकर है, और इसमें आपको USB पोर्ट मिल जाता है, तो यानी कि आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हो। इसमें आपको TF कार्ड स्लॉट मिल जाता है, यानी कि microSD कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हो। इसमें आपको ऑक्स पोर्ट भी मिल जाता है, ऑक्स पोर्ट के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन से, TV से, या फिर आप इसे लैपटॉप वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको स्टीरियो साउंड मिल जाता है इसमें, एंड इसमें आपको बिल्ट इन बैटरी मिल जाती है, रिचार्जेबल है। एंड यहाँ पे अगर हम प्राइसिंग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा रखी है, 2200 रुपये इसमें प्राइसिंग दे रखी है, बट आपको फ्लिपकार्ट में 1000 की प्राइसिंग के आसपास मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन कर लेते हैं, निकालते हैं इस साउंड बार को बाहर। तो दोस्तों ऐसे कुछ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक टाइप सी केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए। तो अच्छी बात यह है कि साउंड बार में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑक्स केबल मिल जाती है, नॉर्मल सी क्वालिटी की केबल है ये। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है। तो ये है दोस्तों हमारी साउंड बार, इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। तो दोस्तों ये है हमारी साउंड बार, और दोस्तों ये ग्रे कलर है, बट ये आपको ब्लैक कलर में भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहले आपको इस साउंड बार का मैं फिज़िकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी साउंड बार में, तो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग है साउंड बार की, वो काफ़ी अच्छी दे रखी है। बिल्कुल भी कहीं से भी लो क्वालिटी की या चीप क्वालिटी की साउंड बार नहीं लग रही है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे फ्रंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेटालिक ग्रिल देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे ब्रांड नेम दे रखा है MZ, वी बिलीव इन क्वालिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ बटन दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए प्ले पॉज के लिए एक बटन दे रखा है, यहाँ पे माइनस एंड प्लस के बटन दे रखे हैं, यहाँ पे एक M वाला बटन दे रखा है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो पूरी की पूरी बॉडी है ये प्लास्टिक बॉडी है, एंड यहाँ पे जो फिनिशिंग दे रखी है बिल्कुल वेलवेट टच वाली फीलिंग दे रखी है, मैट फिनिश में दे रखा है ये। तो लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है साउंड बार का। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए दो रबर के स्टैंड से दे रखे हैं, एंड यहाँ पे अगर हम बैक साइड देखें तो देख सकते हो आप यहाँ पे एक ऑन ऑफ स्विच दे रखा है, एंड यहाँ पे आपको एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आप एक microSD कार्ड लगा सकते हो, एंड यहाँ पे आप देखिए USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप एक पेन ड्राइव लगा सकते हो, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो टाइप सी पोर्ट जो दे रखा है साउंड बार में, ये काफ़ी अच्छी बात कर रखी है, बिकॉज आजकल हर एक चीज़ में टाइप सी पोर्ट ही मिलता है चार्जिंग के लिए। तो इसमें आपको लेटेस्ट टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग इस साउंड बार की मुझे काफ़ी पसंद आई, एकदम प्रीमियम क्वालिटी की साउंड बार लग रही है। और प्राइसिंग के हिसाब से बताऊं तो उसकी बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो चलिए इसे अभी ऑन कर लेते हैं, फ़ोन से पेयर कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है। तो इस स्विच से आपने इसको ऑन कर लेना है। Welcome to MZ Music World. Bluetooth device is ready to pair. एंड दोस्तों अब आपने अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में सर्च करना है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा शो करेगा M21। तो जस्ट आपने इसको टच करके फ़ोन से पेयर कर लेना है। Connected. तो देखिए दोस्तों अभी ये साउंड बार हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो चुकी है, देखिए M21 कनेक्टेड दिखा रहा है, बैटरी दिखा रहा है, 70% ही चार्ज है। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्ले करके देखते हैं। फुल वॉल्यूम करते Thank you.
मुझे मिस्टीरियस इमोशंस महसूस हो रहे हैं। मिराकुलस के नए एपिसोड्स में कल दोपहर 3 बजे डिज्नी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आपको कंट्रोल्स बता देता हूँ जो आपको इस साउंड बार में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट वाला बटन है, ये प्ले पॉज के लिए बटन है। तो यहाँ से देखिए आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हो, देखिए, या फिर आप यहाँ से आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो। एंड अगर कॉल आ रही है तो कॉल भी आप रिसीव कर सकते हो या डिस्कनेक्ट कर सकते हो इस बटन से। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस माइनस वाले बटन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल प्रेस करते हो तो देखिए यहाँ पर आप म्यूजिक को प्रीवियस कर सकते हो, ये देखिए माइनस वाले बटन से, ठीक है। एंड अगर आप माइनस वाले बटन को होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम को कम कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको प्लस वाला बटन मिल जाता है, तो प्लस वाले बटन को अगर आप सिंगल प्रेस करते हो तो देखिए आप यहाँ पे म्यूजिक को नेक्स्ट कर सकते हो, देखिए नेक्स्ट हो रहा है। एंड अगर आप इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो, वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, ये देखिए। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एम वाला बटन मिल जाता है, मोड बटन। तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो। अगर आपने FM यूज़ करना है तो अगर आप इसे सिंगल प्रेस करोगे तो देखिए तो ये FM मोड में चला गया। एंड दोबारा अगर आप इसे प्रेस करोगे तो ये ब्लूटूथ मोड में आ जाएगा। तो यहाँ से आप दोस्तों इसको ब्लूटूथ मोड पे या FM मोड पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ऑक्स पोर्ट मिल जाता है, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको बैक साइड ऑक्स पोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप ऑक्स केबल यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही ऑक्स पोर्ट पे चला जाएगा। ये देखिए अभी मेरे फ़ोन से ऑक्स पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसे ऐसे ऑक्स पोर्ट के थ्रू अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से, लैपटॉप से या टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन बताता हूँ इस साउंड बार के बारे में जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करी साउंड बार में, जो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई वो थी इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग। तो यहाँ पे जो आपको बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग मिलती है ना, वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है साउंड बार में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है साउंड बार में वो होती है साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें आपको, एंड वोकल्स और ट्रिबल्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है साउंड बार में। एंड प्राइसिंग के हिसाब से बताऊँ तो ये 1000 से कम की प्राइसिंग में आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे। और इस प्राइसिंग के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों बैटरी बैकअप की, तो इसमें आपको 2400 एमएच की बैटरी मिलती है, यानी कि 2400 एमएच की बैटरी मिलती है। एंड बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है इसका। अगर आप इसे फुल चार्ज करके यूज़ करते हो तो आराम से आप इसे 4 से 5 घंटे तक यूज़ कर सकते हो। एंड एक और चीज़ जो मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी वो थी इसमें जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है इसमें। तो दोस्तों डेफिनेटली आप बिना किसी कन्फ्यूजन के साउंड बार परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया दोस्तों, ये आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी 1000 से कम की प्राइसिंग में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।